हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि विजिट वीज़ा कैसे लेना है, विजिट वीज़ा लेके दुबई कैसे आना है, आपका कितना खर्चा आएगा, आपका कितना पैसा लगेगा और कहाँ से लेना है और किससे लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है और क्या किस किस चीज़ का आपको पहले से ध्यान रखना है कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए, और जिससे आप वीज़ा ले रहे हैं उससे क्या क्या लेना है। ऐसा ना हो कि आपको वीज़ा दे दे और आप एयरपोर्ट पर जाएँ और आप वहाँ से आपको हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले हमको जाना है किसी भी टूर एंड ट्रेवल्स के पास जो आपके आसपास रहता हो, जिसको आप जानते हो, जो आपकी नॉलेज में रहता हो, जो आपके घर के आसपास रहता हो, बस जो आपकी नॉलेज में हो उसके पास जाना है। उससे कहना है कि मेरा सर मुझे दुबई जाना है, मुझे विजिट वीज़ा लेना है, मुझे जॉब सर्च पे जाना है उधर। तो वो आपको दो टाइप के वीज़े बताएंगे, लेकिन एक जॉब सर्च का वीज़ा होता है, एक वीज़ा ऐसा होता है कि आप अगर 3 महीने का वीज़ा लिए तो आपको 3 महीने बाद 100% वापस आना ही आना है। बट एक ऐसा वीज़ा होता है कि 3 महीने बाद अगर आप, जैसे 3 महीना आपका कंप्लीट हो गया उसके बाद भी आप यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट को अगर पता चलेगा तो उस पर आपको फाइन पड़ेगा, अच्छा खासा फाइन पड़ेगा। इसलिए ऐसी गलती कभी मत करिएगा, ठीक है। 3 महीने के अंदर ही इंशाल्लाह आपकी जॉब लग जाएगी। अब वो आपको डॉक्यूमेंट्स आपके मांगेगा, आपके दो फोटो, वाइट बैकग्राउंड में आपके फोटोग्राफ होने चाहिए, पासपोर्ट साइज, आपका पासपोर्ट कॉपी होना चाहिए, और पैसे कितने लगेंगे। जैसे कि पैसे इंडिया में वीज़े के जो अच्छे एजेंट होते हैं वो 18,000 से 20,000 के बीच में आपसे पैसे मांगेंगे। 18,000 से 20,000 में आपका इंश्योरेंस भी होगा और आपका रिटर्न टिकट होगा। रिटर्न टिकट मतलब डेमो, क्योंकि विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं तो रिटर्न टिकट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ की जो इमिग्रेशन पे एयरपोर्ट पे रहेगा वो रिटर्न टिकट आपका ज़रूर चेक करेगी, क्योंकि आप विजिट पे जा रहे हो, इसका मतलब आप वहाँ घूमने जा रहे हो, घूम के वापस आओगे, आप जॉब सर्च के लिए नहीं जा रहे हो, इसलिए रिटर्न टिकट ज़रूर रखिएगा। रिटर्न टिकट और डेमो टिकट का, डेमो टिकट का मतलब है वो रिटर्न टिकट खरीदेगा अपने पैसों से, 500 रुपये आपके से कट करेगा, फिर जब आप दुबई पहुंच जाओगे तो वो कैंसिल कर देगा, जिससे उसका रिफंड वापस आ जाएगा। इसलिए रिटर्न टिकट, जाने का टिकट और विजिट वीज़ा, ये विजिट वीज़ा कॉपी और इंश्योरेंस और फ्लाइट टिकट, ये चीज़ अपने साथ ज़रूर रखिएगा। पासपोर्ट तो रखना ही है, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है जॉब सर्च के लिए या जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हैं वो चीज़ अपने पास रखिएगा, वो चीज़ अलग चीज़ है, वो डिफरेंट है, लेकिन ये चीज़ है जो मैंने वीज़ा के साथ बताई है, ये ज़रूर अपने साथ रखिएगा। जैसे आपका जानने वाला कोई दुबई में रहता हो, जिससे आपका कॉन्टैक्ट हो, अगर आप उससे वीज़ा मंगाएंगे तो यहाँ पे 700 से 750 दिरहम तक उसकी फ़ीस है 3 महीने के वीज़े की, मैं बता रहा हूँ, जिससे 15,000 से 16,000 मान के चलिए वीज़े का आपका लगेगा वीज़ा 16,000 से 17,000 में, 16,000 तक आपका वीज़ा इंश्योरेंस, आपका वीज़ा इधर से दुबई से मिल जाएगा। लेकिन अगर इंडिया में लेंगे तो वो अपना 1,000-2,500 जो भी फीस लेता हो वो अपना फीस लेगा। इसलिए अब फायदे क्या है इसके अंदर, फायदे ये हैं कि जैसे दुबई से लेंगे तो आपको डेमो टिकट पद में भी ना दे, मे भी आपके नॉलेज का है, आपके जान पहचान का है, वो सब चीज़ बता के रखा है तो अच्छी बात है। लेकिन इंडिया से लेंगे तो कोई भी इशू आ गया आप दौड़ के जा सकते हैं, उसे पूछ सकते हैं क्या हुआ भाई, वीज़ा क्यों नहीं आया, कि कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसके पास आप जा सकते हैं, उसे बात कर सकते हैं। लेकिन दुबई बार बार फ़ोन नहीं कर पाएंगे, यहाँ आदमी बिजी होता है, वो आपका फ़ोन में भी ना उठाए, आप परेशान होंगे। इसलिए 1,000-2,000 के चक्कर में मत पड़िएगा, अपने आसपास के किसी एजेंट से, किसी ट्रेवल टूर एंड ट्रेवल्स होता है, कोई बहुत सारे होते हैं, उससे आप वीज़ा लीजिएगा जो इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवल्स हो। दुबई पहुंचने के बाद आपकी फ्लाइट पे लिखा होगा टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। मान लीजिए आपका रिलेटिव नहीं आ पाया और आप, जैसे 3 टर्मिनल है, टर्मिनल 2 पे अगर आप उतरेंगे तो वहां पे मेट्रो की सुविधा नहीं है, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 पे अगर फ्लाइट उतरी है तो आप टर्मिनल 1 और 2 से मेट्रो पकड़ सकते हैं। मेट्रो कहेंगे मेरे पास कार्ड नहीं है, आप दिरहम इंडिया से हमेशा 1,000 या 2,000 बना के लाइएगा, जिससे यहाँ पे आइएगा। मान लीजिए टर्मिनल 2 पे ही उतरे हैं और वहाँ मेट्रो नहीं है तो वहाँ पर बस होगी, तो बस का कार्ड बस स्टॉप से बनता है, वहाँ आपको डायरेक्ट बस में नहीं बैठ पाएंगे, बिना कार्ड के आप बस में नहीं बैठ पाएंगे, इसलिए आपको टैक्सी करनी पड़ेगी, इसलिए आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। टर्मिनल 1 और 3 पे उतरेंगे तो वहाँ पे आपको मेट्रो की सुविधा मिल जाएगी, वहाँ मेट्रो स्टेशन पे आपका कार्ड बन जाएगा 25 दिरहम में बन जाएगा, जिसमें 15 से 20 दिरहम आपके एक कार्ड में आ जाएगा और मिनिमम 7.5 दिरहम होना चाहिए, उतना आपके कार्ड में आ जाएगा। आप उससे कहीं भी जहाँ बोलेगा वहाँ से वो डायरेक्ट मेट्रो आपको वहाँ छोड़ेगी, आपका बंदा जो भी होगा वो बोलेगा यहाँ पे आ जाओ, इस मेट्रो स्टेशन पे आ जाओ, वो आप इजिली, जैसे नोएडा में होता है, जैसे मुंबई में लोकल ट्रेन है, जैसे यहाँ पे लखनऊ में है, सेम वैसे ही प्रोसेस उसका भी है, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है, सब अपने ही लोग हैं इधर, इंडिया पाकिस्तान के नेपाल के, किसी से भी कुछ पूछेंगे वो आपको तुरंत बताएगा, आप आराम से उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे।
आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हो विजिट वीजा को लेके, या मैंने कुछ ना बताया हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं उस पर अलग से आपको कमेंट में आपका रिप्लाई दे दूंगा। अगर कुछ और क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह मैं वीडियोस पे बना के दूंगा। और सिम कार्ड कैसे लेना है, रूम कैसे लेना है, मैंने वो बता दिया था। सिम कार्ड कैसे लेना है, क्यों लेना है, कहाँ लेना है, ये चीज इस चीज का बहुत ध्यान दीजिएगा। मेरे आईडी के सिम कार्ड नहीं मिलेगा, आप ये सोचेंगे पासपोर्ट में मिल जाएगा, तो पासपोर्ट पे भी यहाँ पे बाहर सिम कार्ड नहीं मिलेगा आपको। पासपोर्ट पे अगर बाहर आप लोकल में टहल रहे हैं तो किसी भी शॉप से आपको पासपोर्ट पे सिम कार्ड नहीं मिलेगा। आपके लिए आईडी यहाँ का होना मस्ट है, या तो कोई आपका जान पहचान का जो अपनी आईडी पे आपको सिम कार्ड दिला सके। बिना सिम के आपको ना जॉब की कॉल आएगी ना कुछ आएगा, इसलिए सिम कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए जिससे मैं और वीडियो बना सकूं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और रेड कलर के बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरी अगली वीडियो आए और आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो रियल बनाऊंगा। रियलिटी जो है, जो रियलिटी है, जैसे आप आएंगे आप देखिएगा वही प्रोसेस होगा, उसके अलावा अलग कुछ भी नहीं होगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताएंगे, फेक कुछ भी नहीं है। इसलिए वीडियो को वॉच करते रहिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप आ रहे हैं, आप जॉब सर्च के लिए आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये वीडियो रहेगी, आपको मतलब कहीं फंसने से पहले आप बच सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।